इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। अगर आपको थाई फूड अच्छा लगता है तो आज का रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पॉन किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक पॉन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्ट थाई की रेसिपी। थाई फूड हमारे घर में सबका फेवरेट है। अगर आपका भी फेवरेट है तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम राइस नूडल्स लिया है और ये हाफ कुक्ड है, इसी तरह पैकेट में आता है। ड्राई राइस नूडल्स भी आता है, अगर ड्राई यूज कर रहे हो तो 10 मिनट गर्म पानी में आप सोक करके रखें। 150 ग्राम राइस नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गार्लिक चाइप्स लिया है, 50 ग्राम तोफू छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 50 ग्राम ड्राई रेडिश यानी कि ड्राई मूली इसी तरह पैकेट में आता है, एक शैलट्स लिया है फाइनली चॉप करके, हाफ टी स्पून करके अदरक और लहसुन चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चॉप्ड पीनट्स यानी कि मूंगफली, एक अंडा। और आज मैं यूज कर रही हूँ पार्ट थाई पेस्ट, रेडीमेड पेस्ट यूज कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह पेस्ट होता है। आप चाहो तो पार्ट थाई पाउडर मसाला भी यूज कर सकते हो। ये देखिए मसाला पाउडर ऐसा होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप घर में पार्ट थाई सॉस बनाना चाहते हो उसके लिए आपको चाहिए फिश सॉस, सिराचा हॉट सॉस, टैमरिन कॉन्सेंट्रेट यानी कि इमली का कॉन्सेंट्रेट, और हॉट सॉस का जगह आप थाई रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और हमें चाहिए पाम शुगर। पाम शुगर मेरे पास क्यूब्स में है, इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन आज मैं रेडीमेड पार्ट थाई पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और जो भी इन्ग्रीडियंट्स पार्ट थाई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आपको एशियन मार्केट में मिल जाएगा, या तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और इधर मैंने 100 ग्राम चिकन और 100 ग्राम श्रिम्प लिया है, मीडियम साइज का लिया है श्रिम्प, आप चाहो तो लार्ज साइज का भी ले सकते हो। और चिकन थाई लिया है, थिनली स्लाइस कर लिया, आप चाहो तो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो। थाई जल्दी कुक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है जल्दी, इसलिए मैंने थाई लिया है। अभी श्रिम्प और चिकन में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वाइट पेपर से मैरिनेट कर लेते हैं। रेस्ट देने की जरूरत नहीं, हम अभी फ्राई करेंगे। चिकन और श्रिम्प फ्राई करने के लिए मैं 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमें चिकन और श्रिम्प फ्राई करना है। जब तक नाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक फ्राई करना है। फ्राई हो गया, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हार्ड हो जाएगा। पार्ट थाई सॉस रेडी कर लेते हैं। इधर पार्ट थाई पेस्ट में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, और इसमें 2 टेबलस्पून जैसा पानी ऐड करना है, क्योंकि थाई पेस्ट है ना बहुत ही थीक है। मिक्स करना है। घर में पार्ट थाई सॉस बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है वो सब इंग्रेडिएंट्स पार्ट थाई पेस्ट में होता ही है। इसमें नमक भी है, ऊपर से हमें नमक ऐड करने का जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है बस। चलिए रेडी हो गया पार्ट थाई पेस्ट। इधर मैंने 100 ग्राम बीन्स पाउडर्स लिया है। अभी हमें तोफू फ्राई करना है, हमें और तेल नहीं चाहिए। तोफू भी नाइस गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। तोफू फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। अभी हम फ्राई करेंगे शैलोट्स, अदरक लहसुन
ड्राई रेडिश। अभी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब साथ में फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। अभी हम साइड में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, एक स्क्रैम्बल बनाएंगे। और तेल नहीं चाहिए, नॉन स्टिक वॉक है, तेल नहीं चाहिए हमें। थोड़ा सा नमक, मिक्स कर देते हैं। अभी हम डालेंगे नूडल्स, साथ में ये जो पाथाई पेस्ट है ये भी डाल देते हैं। और फ्राइड पनीर टोफू और श्रिंप भी डाल देते हैं, बीन स्प्राउट, गार्लिक चाइप्स, रोस्टेड पीनट्स, पीनट्स में थोड़ा सा बचा के रख देती हूँ, गार्लिक चाइप्स और बीन स्प्राउट्स भी मैंने बचा के रखा है, थोड़ा सा हमें बांटने चाहिए। अच्छा से मिक्स करके 2 मिनट हमें फ्राई करना है। अगर आपको लगे नूडल्स ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा पानी आप स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि हमने पाथाई पेस्ट में भी पानी डाला था, इसलिए अभी और पानी नहीं चाहिए, तो नूडल्स ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए पाथाई रेडी हो गया, अभी हम गैस स्टोव ऑफ कर देते हैं और भी सॉफ्ट करते हैं। आप भी इसी तरह पाथाई बनाएं, आपने देखा है सिंपल सा इजी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी। हम हमेशा दाल राइस सब्जी रोटी खाते ही हैं, नूडल्स भी बनाते हैं, लेकिन आप इसी तरह पाथाई बनाएं। समटाइम्स हमें चेंजेस का ज़रूरत पड़ता है, टेस्ट चेंज करना चाहिए। हमने जो गार्लिक चाइप्स बचा के रख दिया था ये साइड में रखते थे, थोड़ा सा बीन स्प्राउट्स, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए थाई रेड चिली थोड़ा सा आप रखें। जो पीनट्स हमने बचा के रखा था ये भी डाल देते हैं और लाइम। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा, आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट का थ्रू फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।